कल्चर ही बहुत रिच है. तो मैं भी एक काफ़ी हद तक सही मानती हूँ कि हर तरह का गाना मैं गा सकती हूँ. तो आज मुझे भी पता चलेगा कि क्या है, कैसा लगता है. आप जिस गाने का परफॉर्म कर रही हैं, उस गाने के बारे में किस तरीके का है वो, क्या उसमें? मैं बहुत सारे गाने गाने वाली हूँ, बहुत सारे गानों पर मेरी जो अभी फिल्म रिलीज़ होगी है टिक में उसके मैं कुछ गाने गाऊँगी. तो लव सॉन्ग भी है, रोमांटिक भी सॉन्ग है, फनी सॉन्ग भी है. सो लेट्स सी कैसा लगता है. अच्छा, आप यहाँ पे आ जाते हैं अगर सुरेश जी ने कहा कि मेरे लिए कोई बेहतरीन परफॉर्म तो क्या सुनाना चाहेंगे उनके पास? तो मैं उनका ही एक्सपीरियंस गाना सुनाना चाहूँगी क्योंकि जो टीचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. अगर सुरेश मुझे कहेंगे कि मैं उनके लिए कौन सा गाना गाना चाहूँगी तो मैं कहूँगी रिचा. साउंड नहीं आ रहा है, बूम आगे लेना, साउंड नहीं आ रहा है. मेरा वाला. अच्छा, अभी आपकी कंपनी भी लॉन्चिंग होने वाली है, उसके बारे में क्या है? रिचा, मेरी जो कंपनी लॉन्च हो रही है, मुझे ये पता है कि मेरी कंपनी के जो सीईओ हैं और आपके जो लोग हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है. मतलब ये मेरे ख्याल से मैंने एक ऐसी कंपनी देखी है एम्पलीफाई टाइम्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो इस्टेब्लिश लोगों को सिर्फ आगे लेके नहीं जाती है बल्कि जो न्यू कमर्स हैं, जो बडिंग स्टार्स हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में वो सफ़र तय करती है. तो मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ. आने वाले सालों में किस तरीके का देखिए, म्यूज़िक डायरेक्टर तो A.R. रहमान साहब के साथ सभी काम करना चाहती हूँ. पर मैं एक्चुअली कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं है कि मुझे ऐसा ही गाना गाना. मैं चाहती हूँ कि मैं हर तरह के गाने गाऊँ और हर तरह के गाने को भी निभाऊँ. तो देखते हैं आप. कोई ऐसा सिंगर और यू नो एक्टर या एक्ट्रेस जिसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, मैं तो इसके लिए तो गाना गाना ही है. एक्टर, एक्ट्रेस. I want to sing for Parimithi Chopra. Actor के लिए मैं मेरी आवाज़ कैसे जाएगी? No problem. बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि keep loving me, keep appreciating my work, just keep supporting me always. Oh man.